आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। विधानसभा चुनाव एकजुट होकर कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। पार्टी हाईकमान जिसे भी प्रत्याशी बनाएगा अन्य दावेदार देंगे उनका साथ। मोडवाड़िया सनावत। 2018 में ही जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था, लेकिन कुछ दल बदलू नेता जो समय समय पर पार्टी में अड़चन पैदा करते थे, ऐसे लोगों ने जनता का दिया हुआ जनादेश उन्होंने अपने स्वार्थ के खातिर बेच दिया। ऐसे लोगों को पार्टी ने बाहर निकालकर मिसाल पेश की। ये बात सनावत बड़वाह बेड़िया के कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रभारी गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोडवाड़िया ने व्यक्त की है। मोडवाड़िया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और हम सब इस अभियान में शामिल होंगे। वहीं कार्यकर्ताओं के दम पर ही नेता बनते हैं, जब नेता ही कार्यकर्ताओं को अनसुनी करे तो वो नेता कैसे बन पाए। इस दौरान श्री मोडवाड़िया ने गुजरात में कांग्रेस का अनुभव सुनाते हुए बताया, जिस समय गुजरात में कांग्रेस 81 सीट लेकर बहुमत के करीब थी तब वहां मुझे से नेता भी चुनाव हारा, लेकिन जब पार्टी ने इसके बाद चुनाव में दमखम से मेहनत की तो पार्टी के विधायकों की संख्या कम रही, लेकिन उसके बाद भी मैं जिस सीट से हारा वहां से मुझे स्थानीय नागरिकों ने 7000 मतों से चुनकर विधायक निर्वाचित किया। वहीं सबसे अच्छी बात है कि सारे दावेदार एक है और कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। चुनाव को 3 महीने से कम समय बचा है, हम सब एकजुट हों और इस बार कांग्रेस को जिताने के लिए दमखम से भिड़ जाएं, तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। वहीं जिले के प्रभारी जयसिंह दरबार उज्जैन ने भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव देते हुए किस तरह से हम विधानसभा जीत सकते हैं इस बात को लेकर अपनी बात कही। जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नायक ने अपने उद्बोधन में कहा कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में कांग्रेस की एकता को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री परेशान हैं। 2 महीने में 3 बार जिले में आकर अपने कार्यकर्ताओं से मिले हैं। वहीं हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस महामंत्री नरेंद्र पटेल, राकेश बर्मन, डोंगर खंडाला, रज्जू मामा सहित अन्य लोगों ने पार्टी को मजबूत बनाने की बात कही। कांग्रेस प्रवक्ता विवेक विद्यार्थी ने बताया, इस दौरान मंच पर अमिताभ मंडलोई, अशोक जैन, अनिल राय, इंदर बिरला, शोभाग पटेल, यूका जिलाध्यक्ष प्रशांत भालसे मंचासीन थे। स्वागत भाषण नीलेश रोकड़िया ने दिया। संचालन बड़वाह शहर अध्यक्ष प्रवीण शर्मा, आभार सनावत ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष आशीष चौधरी ने व्यक्त किया। इस दौरान सोहन शाह, त्रिलोक राठौड़, रवि यादव, रामू सेठ, जितेंद्र सोलंकी, देवेंद्र काका, आफ्ताब हिलाल, बद्री पटेल, राजू गोहर, कैलाश तंवर, अनिल कानूगो, संतोष मालवी, मुकेश सिलावट, सदाशिव तवंत, आकाश कौशल, परीक्षित रावत, नन्नू पटेल, अखिलेश मेवाड़, शंकर वर्मा, कमलेश पटेल, प्रकाश जैन सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता जनपद, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका के निर्वाचित प्रतिनिधि मौजूद रहे। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। तैयारियां शुरू की गई है आपके सामने, ये मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ जी की कांग्रेस की चुनी हुई सरकार खरीद पर करके भाजपा ने चुरा ली, उसी दिन से ही यहाँ कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी और आज ये तैयारियां पीक पर, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नारी सम्मान योजना का प्रोग्राम दिया हुआ है, उनका पर्चा हर घर पर पहुंच चुका है और अभी वापस भी आ रहा है। मैं मानता हूं इस दफ़ा जैसी तरह राहुल गांधी ने बताया कि 150 से ज़्यादा सीट लेकर कांग्रेस सरकार बनाएगी और इससे भी ज़्यादा सीट देने का इरादा जनता का है। यहां कर्नाटका में भी जैसी तरह मध्य प्रदेश में हुआ वैसी तरह वहाँ सरकार चुरा के ले गए थे, वहाँ भी थम्पिंग मेजोरिटी जनता ने दी और सरकार बनाई। ऐसी तरह यहाँ भी कमलनाथ जी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनेगी और नारी सम्मान योजना का जो प्रोग्राम रखा है उसका हम अमल करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार घोषणा कर रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो 15 साल से शासन में है, अभी तक नहीं किया और चुनाव आया उसी समय उसको याद आया और वो भी हमारी नारी सम्मान योजना के अनाउंसमेंट के बाद उसके पहले क्यों नहीं किया? अगर उसको करना है तो आज कर सकते हैं, लेकिन वो तो घोषणाएं कर रहे हैं। पहले तो वो अपने सरकार में लगा भ्रष्टाचार जो है वो दूर करने की कोशिश करें और ये अनाउंसमेंट तो अनाउंसमेंट ही रहेगा क्योंकि वो सरकार में आने वाले हैं। कार्यकर्ताओं किस तरीके से दिशा निर्देश दिए गए हैं जी? सब कार्यकर्ता यहाँ तो एक होकर काम कर रहे हैं, सभी कार्यकर्ताओं में जाने का कहा है। हमारा कैंडिडेट्स आज से ही तय है, वो है हाथ का पंजा का निशान जो लेकर आए वही कैंडिडेट्स।